मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। अब अपन जो अपना महामंथन चल रहा था उसी में नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन के जितने भी एमसीक्यू हैं सारे इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तो देखो, तुम लोग स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट, ट्रांजिस्टर बायसिंग जो है डीसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर जो है सेकंड जो है वो राइट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू कीप इन द सर्किट। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू कीप प्रॉपर डायरेक्ट करंट, क्योंकि ये डीसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है तो ये प्रॉपर डायरेक्ट करंट इन सर्किट, डायरेक्ट करंट को प्रॉपर करने के लिए अपन ट्रांजिस्टर बायसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट। तो देखो, ऑपरेटिंग पॉइंट में अपन ने क्या किया था, जब अपन कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं कर दे तब वीसी और आईसी की वैल्यू जो है ऑपरेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। देखो, मैंने तुम लोगों को जब जो वीडियो लेक्चर था उसमें जब डायग्राम बनाया था तो अपन ने ट्रांजिस्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक वीसी और आईसी इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। उसके बाद अपन ने डीसी लोड लाइन ड्रॉ किया था जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहे थे, वो क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट की लोकेशन थी। यानी आंसर जो है कौन सा आएगा, थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है, जीरो सिग्नल वैल्यू ऑफ आईसी एंड वीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बायसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट इट रिजल्ट इन। देखो क्या होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो अगर अपन बायसिंग नहीं करेंगे तो जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो इनपुट सिग्नल के सेम शेप का नहीं होगा, उसमें डिस्टोर्शन आएगा। यानी क्या आएगा, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगा। अगर अपने को फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए तो अपने को बायसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर जो है सेकंड वाला राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाय ए। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग जो सर्किट होते हैं उनमें बायसिंग सर्किट यूज लेते हैं जिसकी हेल्प से अपन ट्रांजिस्टर को बायस्ड करते हैं। तो क्या आएगा, बायसिंग सर्किट। फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाई ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ वी बी ई शुड फॉर ए सिलिकन ट्रांजिस्टर। तो देखो, अब अपने पास क्या है, जो ट्रांजिस्टर को जब एम्पलीफायर में यूज लेते हैं तो इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस पे और आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस पर होती है। सिलिकन ट्रांजिस्टर का कट इन वोल्टेज जो होता है 0.7 वोल्ट होता है, तो जो अपना वीबी है उसकी वैल्यू 0.7 से कम नहीं होना चाहिए। तो नॉट फॉल बिलो 0.7 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर शुड हैव। तो प्रॉपर ऑपरेशन के लिए जो कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस पे, क्योंकि आउटपुट जंक्शन किस पे होनी चाहिए, रिवर्स बायस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाई ए ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ वी सी ई शुड, वी सी की वैल्यू जो है वो नॉट फॉल बिलो 1 वोल्ट होना चाहिए। कितना, सिलिकन के लिए नॉट फॉल बिलो 1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज। तो देखो, बेस्ट स्टेबलाइजेशन जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर बायस प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए अपन जितने भी सर्किट जो होते हैं, ऑक्सीलेटर हैं, एम्पलीफायर हैं, सब में पोटेंशियल डिवाइडर बायस यूज लेते हैं। यानी आंसर थर्ड वाला बिल्कुल सही है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन रिप्रेजेंट ऑपरेटिंग पॉइंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट को। एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, देखो स्टेबिलिटी फैक्टर की आइडियल वैल्यू 1 होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जितना कम होगा वो सर्किट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट आई सी इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ वी सी, देखो वी सी इक्वल टू होता है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। जब अपने पास आई सी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी सी का वैल्यू डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वी सी सी की वैल्यू अपनी कॉन्स्टेंट है, आई सी इंक्रीज होगी तो कलेक्टर करंट, कलेक्टर रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो वी सी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द डिसएडवांटेज ऑफ बेस रजिस्टर मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज दैट इट। देखो, जो बेस रजिस्टर मेथड है उसमें क्या है, जो कलेक्टर करंट है अपना वो बीटा पे डिपेंड होता है। यानी इज सेंसिटिव टू चेंज इन बीटा, बीटा चेंज होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये उसका ड्रॉबैक होता है।
द लीकेज करंट इन ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज अबाउट 1000. द लीकेज करंट इन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, आंसर जो है थर्ड वाला बिल्कुल सही है. द ऑपरेटिंग पॉइंट इज ऑल्सो कोल्ड, ऑपरेटिंग पॉइंट को अपन क्यू पॉइंट भी बोलते हैं, क्वासेंट पॉइंट भी बोलते हैं, तो क्वासेंट पॉइंट आएगा. फॉर प्रॉपर एम्पलीफिकेशन बाई ए ट्रांजिस्टर सर्किट द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट ऑफ द डीसी लोड लाइन. देखो अपन ने लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट निकाला था जब अपन ने ट्रांजिस्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया था, डीसी लोड लाइन ड्रॉ किया था, जहाँ पे डीसी लोड लाइन और ट्रांजिस्टर की आउटपुट करेक्टरिस्टिक एक दूसरे को कट करते हैं वो लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट होती है. यानी क्यू पॉइंट की लोकेशन अपन ने लिया था सेचुरेशन रीजन में, एक्टिव रीजन में और कट ऑफ रीजन में. जब अपन सेचुरेशन रीजन में लेते हैं तो आउटपुट का पॉजिटिव पोर्शन जो है वो क्लिप हो जाता है, जब अपन कट ऑफ में लेते हैं नेगेटिव पोर्शन क्लिप होता है, लेकिन जब अपन मिडल में लेते हैं तो आउटपुट की इनपुट की सेम शेप रहती है, यानी फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलता है. इसलिए जो है क्यू पॉइंट को हमेशा लोड लाइन के मिडल में लेते हैं. ठीक है, द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑन द एसी लोड लाइन, द ऑपरेटिंग पॉइंट लाई ऑन द एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन पर लाई करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस इज दैट इट हैज. देखो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है उसका स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है. ड्रॉबैक ये है कि उसमें रेजिस्टेंस जो है अपने को 4 रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी मैनी रेजिस्टर की रिक्वायरमेंट है. थर्मल रनवे अकर व्हेन, जब अपन ट्रांजिस्टर को बायस नहीं करते तब थर्मल रनवे उत्पन्न होता है. अब एक क्वेश्चन आता है थर्मल रनवे क्या है. देखो थर्मल रनवे क्या है, जब ट्रांजिस्टर जो है उसके कलेक्टर जंक्शन जो है, जो आउटपुट सर्किट है उसमें कलेक्टर करंट फ्लो होगी, कलेक्टर करंट फ्लो होगी तो देखो कलेक्टर करंट होती है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICO. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जब कलेक्टर करंट जंक्शन से जाएगी तो जंक्शन पर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगी, लीकेज करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगी, फिर से बढ़ी हुई कलेक्टर करंट जंक्शन में जाएगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये प्रोसेस बार बार होगा और जंक्शन पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. जब टेम्परेचर एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा, ये कहलाता है थर्मल रनवे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस इन द इमीटर सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू. देखो जो इमीटर रेजिस्टेंस है इसका पर्पज होता है इमीटर करंट को लिमिट करना, लिमिट द चेंज इन इमीटर करंट. इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट वी सी ई इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बी ई, आंसर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टेम्परेचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वी सी ई. अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होता है, लीकेज करंट बढ़ती है, लीकेज करंट बढ़ती है तो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो जाती है, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी, ठीक है, तो कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो आरसी जो है उसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो देखो वी सी इक्वल्स टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, आई सी आर सी, ठीक है, तो आई सी की वैल्यू बढ़ी, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा, वी सी सी कॉन्स्टेंट है, यानी वी सी ए डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा. द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाई आर ई कंसिडरेशन. द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइडेड बाई आर ई कंसिडरेशन. द वैल्यू ऑफ वी बी, वी बी का वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट अपॉन आई सी टू मॉडरेट एक्सटेंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आई सी. देखो वी बी की वैल्यू जो है कलेक्टर करंट पर डिपेंड नहीं करती. वैन द टेम्परेचर चेंज द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू. जब टेम्परेचर चेंज होता है यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो लीकेज करंट बढ़ेगी, आई सी बी ओ जो है चेंज हो जाएगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो है फर्स्ट वाला. अब देखो आई सी बी ओ क्यों बढ़ेगी, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो जंक्शन पर कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उनकी संख्या बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे जिससे लीकेज करंट इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर ए बेस रजिस्टर, यानी फिक्स्ड बायस, यानी बेस रजिस्टर बायस जो है उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है
एस इक्वल्स टू वन प्लस बीटा, यानी वो बीटा पर डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बेस रजिस्टर मेथड इज जनरली यूज इन, बेस रजिस्टर मेथड जो है हमेशा स्विचिंग सर्किट में यूज करते हैं। देखो मैंने तुम लोगों को जो है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ऑन स्विच ऑफ स्विच बताया था, तो उसमें देखा था स्विचिंग सर्किट में यूज करते हैं। फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वी सी ई शुड, वी सी की वैल्यू जो है 0.7 से कम नहीं होना चाहिए फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए। इन ए बेस रजिस्टर मेथड इफ द वैल्यू ऑफ बीटा चेंज बाई 50 देन कलेक्टर करंट विल चेंज बाई ए फैक्टर। देखो कलेक्टर करंट आई सी इक्वल टू होता है बीटा आई बी, अगर बीटा 50 से चेंज हो रहा है तो कलेक्टर करंट भी 50 से चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट दैट ऑफ बेस बायस। देखो कलेक्टर टू बेस बायस जो है उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर जो होती है वो, द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट इज दैट ऑफ बेस रजिस्टर बायस सर्किट। तो जो स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ ए कलेक्टर फीडबैक जो होती है उसकी मोर देन होती है, सॉरी ये गलती से जो है लेस देन है, इसकी मोर देन आएगी, मोर देन दैट ऑफ बेस रजिस्टर बायस, जो फिक्स बायस जो होती है उससे ज़्यादा होती है। इन द डिजाइन ऑफ ए बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर लोड आर सी इज डिटरमाइंड बाई, तो आर सी की वैल्यू अपन वी सी कंसिडरेशन से डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड बी द बेस पॉइंट सेट इन ऑर्डर टू मेक ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। देखो ट्रांजिस्टर जब एम्पलीफायर में यूज लेते हैं तो क्यू पॉइंट लोड लाइन के बीच में होता है। ठीक है, यानी एक्टिव रीजन में होगा, किस में होगा, एक्टिव रीजन में। क्यू पॉइंट कैन बी सेट टू वर्क ऑन एक्टिव रीजन रिक्वायर पर्टिकुलर कंसिडरेशन, वट आर दे। तो देखो क्यू पॉइंट जो है उसमें क्या होगा, उसमें इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड पे, आउटपुट रिवर्स पे, यानी बीई बेस इमिटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस पे और बेस कलेक्टर जंक्शन किस पे होगी, रिवर्स बायस पे। ठीक है, द क्यू पॉइंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज मेड टू शिफ्ट बिटवीन एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन देन हाउ डज द ट्रांजिस्टर बिहेव। जब क्यू पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर जो एक्टिव और कट ऑफ के बीच में जो है शिफ्ट होता है तो वो स्विच की तरह बिहेव करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो देखो मैंने तुम लोगों को जब थर्मल रनवे बताया था, थर्मल स्टेबिलिटी बताया था, तो उसमें बताया था कि जो पहले एम्बियंट टेम्परेचर टीए है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो गया टीजे हो गया जंक्शन टेम्परेचर, तो इनका डिफरेंस जो है टीजे माइनस टीए इक्वल्स टू थीटा पीडी, यानी टीजे माइनस टीए प्रोपोर्शनल टू पीडी। तो जब अपन प्रोपोर्शनल का सिंबल रिमूव करेंगे तो टीजे माइनस टीए इक्वल्स टू थीटा पीडी। थीटा क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, एक कोफिशिएंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, कंपेयरिंग फिक्स्ड एंड कलेक्टर टू बेस बायस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिक्स्ड बायस इज मोर स्टेबल, कलेक्टर टू बेस बायस मोर स्टेबल, बोथ आर द सेम इन डिजाइन ऑफ स्टेबिलिटी। कलेक्टर टू बेस बायस जो है वो फिक्स बायस से ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि कलेक्टर टू बेस बायस की वैल्यू जो है एस इज लेस देन वन प्लस बीटा होती है, जबकि फिक्स बायस जो है उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर एस इक्वल्स टू वन प्लस बीटा होती है। द थर्मल रनवे इज अवॉइडेड इन ए कलेक्टर टू बेस बायस बिकॉज, जो कलेक्टर टू बेस बायस जो होती है ऑफ द नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइडेड द बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर से नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड होती है तो इसमें जो है थर्मल रनवे नहीं होता। When the temperature increase, what happened to the collector current after a feedback is given? देखो क्या होता है, When the temperature is increased, what happened to the collector current after a feedback? देखो जब temperature increase होता है तो collector current भी क्या होती है, increase होती है। When the temperature is increased, what happened to the collector current after a feedback is given? तो देखो फीडबैक गिवन होगा तो ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो अपन जो बायसिंग वाला चैप्टर था इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे अपन ने कवर किए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक।